देखिए, पिछले क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे थे उसी में आज आगे बढ़ते हुए पहले हम लोग एक दो मेथड और डिफरेंशिएशन का सीखते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन पे हम लोग आएंगे। दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि आपको रहता ना, ऐसे इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता है, हालांकि एग्जाम ऐसा दिया नहीं रहता है। जैसे मान लिया कि आपके पास है y इक्वल टू दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 पर पावर 7, इस तरह का अगर रहता है तो हम लोग इसको चैन रूल से बनाते हैं। दैट मीन्स कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 7, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 के रेस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 को जो है उसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, अगर दोनों काट दीजिए एक ही तरह का आएगा, है ना, इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। और फिर जिस तरह से सामान्यतः डिफरेंशिएशन करते हैं वो जगह 7 एक्स स्क्वायर और प्लस 2, है ना, 7 माइनस 1, क्लियर। और ये जो है इसको आप अलग अलग करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 2x+0 हो जाएगा, क्लियर। यानी कि 7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 6 इंटू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, या 14x=, सब हो जाएगा। इस तरह से बंद है, लिखो आगे बताते हैं। सुनो, उसको बंद करो दो। ठीक है, अब देखिए, आइए, जैसे कि मान लिया, अब देखो अच्छे से, उसी तरह और कुछ क्वेश्चन है। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है 4x+3 पावर दिया हुआ 8, मान लिया। देखिए एक बार और, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी फोर सॉरी है ना, 4x+3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डी 4x+3 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो हो जाएगा 8 4x+3, 8 माइनस 1, इसको अलग से कर रहे हैं, देख रहे थे क्या लिखेगा, डी 4x वाई डी एक्स प्लस डी 3 अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 4x+3 7, यहाँ हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 8 चौक 32, 4x+3 पर पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बुक्स है ना, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे,
वाई इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 8, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 8 तो पावर क्या 1 बाई 2 लिखेंगे, इसको फिर dy अपॉन जो dx निकालेंगे तो d 3x प्लस 8 1 बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, d 3x प्लस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो है 3x प्लस 8 को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई 2 3x प्लस 8 1 बाई 2 माइनस 1 इसका वैल्यू होगा 3, ये प्लस 0 हो जाएगा, बाकी सोल्व कर लीजिएगा। तो 1 बाई 2 3x प्लस 8 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 बाई 6 हो जाएगा, इसको नीचे ले जाइएगा तो रूट में हो जाएगा, है ना। देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई 2 इधर है तुम्हारा, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 पर पावर, ठीक है, रूट में हो जाएगा ये, है ना, कल बताए थे। चलिए कीजिए, देखिए कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसको लिख देते हैं, इसको बन जाएगा आप सब। जैसे कि ये क्वेश्चन है 3x प्लस 8 पे पावर दिया 1 बाई 3, बन जाएगा ना, y इक्वल टू दिया हुआ है, फिर y इक्वल टू दिया हुआ है, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, बन जाएगा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 अंडर रूट दिया हुआ है y इक्वल टू, किस तरीके से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 4x प्लस 3 देखो y इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 पर पूरा पावर 3 और फिर दिया हुआ है अंडर रूट, इसको कैसे लिखिएगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3 के पावर 3, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर्स होता है सर्ड्स, मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा, 9th-10th वाला किताब मिल जाएगा हिंदी में कहते हैं करनी अनघातांक, ऐसे बेसिक जो आपको दिक्कत है किसी किसी को ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको बना दें, बन जाएगा, बन जाएगा, छोड़ दें। चलिए और देखिए कुछ और फार्मूला, यहाँ तक सीख गए अब, कुछ फार्मूला इस तरह से है, एक मिनट, ठीक है, ठीक। देखो जैसे y इक्वल टू u इंटू v फॉर्म रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है dy वाई अपॉन डी एक्स, यू डी वी
बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, इसका यूज करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद अगर दिया हुआ है y इक्वल टू यू वाई भी के रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर, है ना। ये दोनों फार्मूला को रखिए, आगे हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। इसका यूज तो बहुत ज़्यादा है, इसका भी यूज है लेकिन यहाँ कम रहता है। ठीक है, देखिए अब यूज करते हैं सिर्फ, जैसे कि मान ले कि वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस थ्री, हम यूज करना है इवन टू वी के रूप में, हम डायरेक्ट चाहे बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, ये तो y तुम्हारा है, तो फार्मूला क्या लिखे थे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इन टू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यही नहीं लिखे थे। इसके आधार पर हम लिखते हैं क्या, देखिए u क्या है, u क्या है, u तुम्हारा है एक्स स्क्वायर और प्लस टू, वी क्या है, है ना, फोर सॉरी ये आपका है एक्स फोर प्लस थ्री बाई डी एक्स, यहाँ तक हो गया। प्लस करेंगे बी क्या है, बी है एक्स फोर प्लस थ्री, यू क्या है, तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई डी एक्स, यही ना है। तो सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखो ये तो ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये होगा अलग से करेंगे तो डी एक्स फोर बाई डी एक्स, जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना आएगा फोर एक्स क्यू आएगा, अब प्लस जीरो हो जाएगा इसका, है ना, कांस्टेंट टर्म है, प्लस आपका क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस थ्री, फिर उसी तरह से डी एक्स टू अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना जी, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका यहाँ तक हम लोग क्लियर किए हैं, देखते हैं आगे। अब हम लोग फिर से आते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका एप्लीकेशन से पहले बना लेते हैं, जहाँ तक बनेगा फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी और डिमांड, उसके बाद फिर इसका यूज करेंगे, साथ साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, अलग से नहीं बता रहे हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में है, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा, ठीक है। देखो
जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा हुआ है। कह रहा है ए रेडियो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेज एक्स सेट पर वीक एट टोटल कॉस्ट हम लिखते जाते हैं, टोटल कॉस्ट एक्स स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है, प्लस 3x प्लस 100 एट टोटल कॉस्ट ए दिया हुआ है। आगे लिखिए ही इज ए मोनोपोलिस्ट एंड द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज एंड द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 75 एक्स इक्वल टू 75 माइनस थ्री पी कॉमा वेयर पी इज द प्राइस इन रुपीज पर सेट फुल स्टॉप सो डैट द मैक्सिमम नेट रेवेन्यू इज ऑब्टेन when about 30 sets are produced per week है ना। लिखिए what is the monopoly price देखो जी हम कुछ हिंट्स देते हैं, जैसे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, बताया था ना कल कि टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर एक्स क्या है, आउटपुट है। जब मार्जिनल निकालना रहेगा तो कल बताए थे कि जब भी कोई दिया हुआ है हमारा टोटल वैल्यू तो हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो मार्जिनल होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो मार्जिनल होता है उसके लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखो 1/25 इसमें क्या है, कांस्टेंट निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो तो 2x बचेगा और प्लस 3 है, प्लस 100 हो जाएगा, यानी आएगा 2x/25 + 3, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 75 माइनस 3p, क्या दिया हुआ है, माइनस 3p। ठीक है, देखो अगर 3p इधर ले आओ कितना बचेगा, 75 माइनस x बचेगा, है ना। अगर p इक्वल टू ले आओ तो 75 माइनस x बाई 3 होगा, यानी ये हो गया p, बताए थे ना कल क्या हो गया, p हो गया। और कल हम बताए थे कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो 75 माइनस x बाई 3 इंटू एक्स कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MR = MC, बताएं मैंने पहले ही कहा, जब पहले से आप माइक्रो पढ़े हुए हैं
तब ये हमारे इक्वल टू एम सी करेंगे तो देखिए अब हेलो कुछ आता है, जो इतना कीजिए पहले हम करते चलेंगे, पहले इतना कर लीजिए, उतारिए इसको। बढ़ा देखो तो क्या हो जाएगा, 75x 75 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 3 होगा, ये क्या आ गया टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है आया ना। अब इसको मार्जिनल रेवेन्यू निकालिएगा तो क्या होगा, अब देखो इसको तुम लिख सकते हो 75x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। तो अभी ऐसे करो ना, देखो थोड़ा 25x हो जाएगा ना, अगर 3 से काट दें तो कितना हो जाएगा 75x/3 लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं, ये भी टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसको जब रिप्रेजेंशिएट कीजिएगा तब निकलेगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 25 है ना, तो क्या हो जाएगा 2x/3 माइनस से, ठीक है। तो हमारा आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास आ गया है। अब नेक्स्ट लिखो नेट, लिख लीजिए नेट रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, नेट रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम, नेट रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, नेट रेवेन्यू विल बी ऑप्टिमम एट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट एट MR इक्वल टू क्या MC। तो MR पर कितना आया है 25 माइनस 2x/3 इक्वल टू कितना आया था मार्जिनल कॉस्ट, एक आदमी बोलो 2x/25 और प्लस 3 यही ना आया था, सोल्व कीजिए बताइए कितना आया। देखो ये इधर कर लो 25 माइनस हो गया 3, ये हो जाएगा 2x/25 माइनस 2x/3 बन जाएगा, बताइए मैक्सिमम कितना आएगा।
नहीं बने इतना देर। यहाँ कितना आएगा? 22। एलसीएम लो, कितना आएगा बोलो? 75। 25 दिया 75, और 3 दुना 6x, 25 कितना हो गया बोलो? 25, 50x। ठीक है, अब सोल्व करो। हाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस होगा। हाँ 56 आएगा। हाँ 29.6 फीस, यानी अप्रोक्स 30 आ गया। कितना आ गया? अप्रोक्स 30 आ गया। अभी पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो। वेयर पीज अगर शो दैट द मैक्सिमम नेट रेवेन्यू इज ऑब्टेन वेयर द अबाउट 30 सेट आर प्रोड्यूस्ड, यानी लगभग 29 पॉइंट समथिंग आया, तो 30% हो गया प्रोड्यूस। अगर व्हाट इज द मोनोपोली प्राइस, अब जो एक्स का वैल्यू आया है, जो पी निकाले थे, याद है पी निकाले थे ना हम लोग, जैसे कि हमारे पास पी इक्वल टू कितना आया था, देखो तुम्हारे लिखे होंगे, पी इक्वल टू आया था आपका 75 - x / 3, तो उसमें एक्स का वैल्यू रखो, है ना। देखो अब पी निकालना है, तो पी का वैल्यू, पी हम निकाले थे ना, हम लोग निकाले थे पी 75 - x / कितना 3, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 - 30 / 3, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 45 / 3, तो पी इक्वल टू क्या होगा? प्राइस, यानी मोनोपोली प्राइस होगा 15, और जो आउटपुट होगा अबाउट आउटपुट होगा कितना? 30 आपका आएगा। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं बताए हैं, तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। फिर जब आएंगे तो फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो जब भी प्राइस दिया रहे तो एक से गुना करें टोटल रेवेन्यू, चूंकि होता है क्या कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स है, तो दो बार आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पहले एक बार मैथमेटिक्स पढ़ाइए, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, फिर दोनों मिला के पढ़ाइए। अब आप माइक्रो पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, उससे आपका क्वेश्चन फटाफट क्या होगा? बनना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन और देते हैं, घर से बना के लाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखो, द डिमांड फंक्शन फेस्ड बाई ए फर्म, फेस्ड बाई ए फर्म पी इक्वल टू 500 - 0.2x, है ना। पी इक्वल टू 500 - 0.2x, है ना। एंड इट्स कॉस्ट फंक्शन सी इक्वल टू दिया हुआ है 25x, 25x प्लस 10,000, प्लस 10,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेयर पी इक्वल टू प्राइस कॉमा एक्स इक्वल टू आउटपुट एंड सी इक्वल टू कॉस्ट, फाइंड द आउटपुट एट विच द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर मैक्सिमम, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर मैक्सिमम फुल स्टॉप, आल्सो फाइंड द प्राइस इट विल चार्ज, आल्सो फाइंड द प्राइस इट विल चार्ज। देखो ऐसे प्रॉफिट हम पहले माइक्रो में बताए हैं,
लेकिन आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट क्या होता है। देखो वैसे हम लोग जो प्रॉफिट पढ़ते हैं बचपन में, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है जी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट इक्वल टू इकोनॉमिक्स में होता है ना, प्रॉफिट पाई, तो जो हम सामान बेचते हैं उसे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट बताए थे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। या एवरेज टर्म में हम बताए थे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए आर माइनस ए सी, और है कि नहीं, ए आर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, जितना पैसा आया उतना पैसा गया, है ना। एक होता है ए आर ग्रेटर देन ए सी, एक होता है ए आर लेस देन ए सी, एक होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक होगा सब नॉर्मल प्रॉफिट, एक होगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल। सब नॉर्मल को ही लॉस कहते हैं, इकोनॉमिक लॉस कहते हैं, इसे याद रखिएगा। बस नेक्स्ट क्लास में जब मैक्सिमम मिनिमम सीखेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन हो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। देखो और कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, सब आराम से बन जाएगा। देखो जी कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका दिया हुआ है C इक्वल टू टू क्यू, है ना, माइनस टू क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू क्यू। इसको पूछ रहा है निकालिए, क्या निकालिए, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो क्या हो जाएगा, टू अब माइनस क्या हो जाएगा फोर क्यू और प्लस क्या हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर होगा। तो कुछ लोग सोच रहे हो कैसे करेंगे सर, चल हटा दो इसको, ऐसे करेंगे मार्जिनल कॉस्ट मैंने कहा था निकालना हो तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए जो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो तुम्हारे पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी क्यू है, क्या है टू क्यू प्लस माइनस, है ना, टू क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू। इसको हम अलग से लिख सकते हैं डी टू क्यू बाई डी क्यू, हाँ ठीक है नॉर्मली बनेगा, माइनस डी टू क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू प्लस हो जाएगा डी क्यू क्यू बाई, ठीक है, एक्स पे क्यू दिया हुआ है, बात तो की है, बन जाएगा ना। अगर रहेगा एवरेज निकालना तो हम क्यू से भागा दे देंगे, कल हम बताए भी थे, है कि नहीं, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। उसी तरीके से और क्वेश्चन दिया हुआ है सी इक्वल टू फोर क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू क्यू, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। फिर दिया हुआ देखो सी इक्वल टू 0.0003 क्यू स्क्वायर प्लस 6.75 क्यू माइनस, कितना भी डिफिकल्ट रहे सब आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी कॉस्ट दिया हुआ है। देखो चार क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, पांच पांच नंबर का क्वेश्चन है, या दो ही नंबर का रहेगा, क्या दिक्कत है। जो भी कॉस्ट फंक्शन दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल निकल जाएगा। अगर हमारा पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है निकालना रहेगा, टोटल रेवेन्यू हम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हम पढ़े नहीं है पढ़ाएंगे तो अगर बताएंगे, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद
अब इसमें जो क्वेश्चन दिया आप लोग से बन जाएगा, और आगे क्वेश्चन बताएंगे। मिक्रो का आएगा, अगर निकाल रहेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो कैसे निकालेंगे? मार्जिनल जहां भी रहेगा तो हम वैसे ही करेंगे। जब बुक्स पढ़ते हैं तो अभी तो और बच्चा हुआ ना, पार्शियल पढ़ाएंगे, पार्शियल पढ़ाएंगे तो निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल। तो यदि टू वेरिएबल्स है तो हम लोग क्या निकालते हैं? पार्शियल निकालते हैं। फिर हम निकालते हैं इनकम दिया हुआ है उसको निकालिए मैक्सिमम इनकम, तो हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की यूज करेंगे। बहुत चीज़ सीखे हैं अभी तो, शुरुआत है हमारा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बना के लाइएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे।